ਆਨੰਦ ਦਾ ਭੇਟ ਆ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਡੇਰੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਨੰਦ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਘਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਓਏ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਸੈਲਫੀ ਸਟਿੱਕ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਕਮਲੀ ਨਾ ਰੇੜੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
क्यों बर्बाद होया जी? क्योंकि संगत ही उन्हें गलत कर ली है। इस करके अज के महीने के विच पहले दिन नवे साल वाले दिन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने सानू उपदेश किया कि एक तो अपनी संगत जिंदगी आनंद चाहना, जिंदगी में चाहना सुख मैं मिले, खुशियां खेड़े मैनू मिल, मेरे जीवन का हमेशा वास्ते संतुलन जरा है वह वधिया सोहना सुंदर बनया रहे। तो कहते सत जना मिल पाई है रसना नाम पड़ा, जिन पाया भरावा अपना आए उसके गुणा के रब दे रब के घंटे प्यारिया तू गिनती आ जाएगा। दुनिया के असी आधार कार्ड के राही गिनती आ जाने पर सच्चे परमेश्वर जी की दरगाह के सत्य जी आयो किसी आधार कार्ड के राही नहीं बल्कि साडे मस्तक के रब का निशान जिहड़ा कि गुरबाणी के जपी साहब आप पढ़ते हैं पंच परिवार पंच प्रधान पंचे पावन नरका मान पंचे सोहे दादा जान। क्यों? क्योंकि पंचा का गुरेख किया एक अकाल पुरख वाहगुरु का मस्तक के उपर निशान नाम का लगा केंद्र नीति की जाने जिन पाया भरावा अपना आए उसे गुना फिर जिस वे जीवन का व्यथा जन्म जना चरथल बहीर पूरिया लवया बेच बना सो रब जितना आवी कितना दुख गना। किन्ना क दुख तेन आ सकता है ऐसे बालक वाहगुरु को भुल के गिनती नहीं दी जाती सो रब चेतना आवी कितना दुख गना। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं जो तेरे अंदर नाम की प्यास लगेगी तो फिर तू उस बालक वाहगुरु के दर्शन नाले करने वास्ते उधर के पास जाएगा। हर संगत जो पानी की प्यास लगी हो वेखो अपने आप साडा चित जिहड़ा है वो पानी वल ध्यान करता है पानी मंगता है अपने आप ध्यान पानी में जाता भुख लगी हो ध्यान रोटी में जाता। तो सार संगत जो भुख प्यास प्रभु के नाम की लगेगी तो सच परमेश्वर वाहगुरु के दीदार के महाराज कहते जिन्होंने ये भुख लग जाती है ये ऐसी